हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस फिजिक्स के लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का न्यू टॉपिक जो कि है लेंस फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस हमने पढ़ लिया, लेंसेस के यूज हमने पढ़ लिया, लेंसेस का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, किसके कितने केस होते हैं, कौन रियल इमेज बनाता है, कौन वर्चुअल इमेज बनाता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। आज हम इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कि है स्टार्टिंग होगी बात लेंस फॉर्मूला से। जैसा कि मिरर फॉर्मूला को आपको याद दिलाना चाहूंगा, होता था 1/f, यानी कि किसी भी मिरर की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल बराबर होता था इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल। बट यहां पर डिफरेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। लेंस में बच्चों क्या फॉर्मूला वेरीफाइड, इसको आप ऑप्टिक्स में, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में, तब इसका प्रूफ भी आएगा। अभी हमारा इसका प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है और इसको पढ़ना भी वेव प्रूफ ही होगी। तो अभी हम सिर्फ जस्ट एज अ फॉर्मूला इसको पढ़ रहे हैं। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, जो हाँ भी इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। जहां पर एफ फोकल लेंथ है, वी इमेज डिस्टेंस है और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैं समझता हूं बच्चों, मैं समझता हूं कि एफ वी यू का मतलब अब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है यह भी आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये हमने आपको मिरर में पढ़ाया था और चीजें बताई थी भी रियल इमेज के लिए डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें यहां भी काम करेंगी। तो इसको काम करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो मिरर के लिए पढ़ाया था वही लेंस के लिए भी है। आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद आता हो रहा हो, जितनी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करी जाएंगी वो सारी ली जाएंगी पॉजिटिव, जितनी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर करी जाएंगी नेगेटिव ली जाएंगी, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करी जाएंगी, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाएंगी, वो हम दिखाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आप जानते हैं इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ भी बोल सकते हैं, या फिर कई कई सारी बुक्स में एच डैश यानी कि इमेज की हाइट एच डैश लिखी होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट है। और उसके केस में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट केस डिस्टेंस के केस में भी डिफाइन होता था। तो जो होता था मिरर के लिए वो होता था माइनस बी अपॉन यू, बट यहां पर प्लस बी अपॉन यू होता है। एम की वैल्यू होती है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर के लिए होता था माइनस बी अपॉन यू, तो यहां पर प्लस आ गया बच्चों, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू प्लस बी अपॉन यू। ये बात आपको याद रखनी, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे सारे साइन जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहले से, फिर से एक बार याद दिला देते हैं, अगर m की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल आ रहा है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो इमेज डिमिनिश्ड है, छोटा साइज है, और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इमेज इनलार्ज है। ये सब मैंने उस टाइम आपको करके दिखाया था कि भाई m इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, जब न्यूमरेटर बड़ा आएगा यानी कि एच आई जब बड़ा होगा प्यारे बच्चों और एच ओ छोटा होगा, तो किसी फ्रैक्शन का जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर 1 से बड़ा आता है। दोनों बराबर होते हैं तो आंसर इक्वल टू 1 आता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर 1 से छोटा आता है। डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ी, और दोनों बराबर होने का मतलब दोनों का साइज बराबर है। तो उसी बेस पर ये मैग्निफिकेशन से ये आपको पढ़ाया जा रहा है। एम की वैल्यू 1 का मतलब है इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, लेस देन 1 का मतलब है इमेज डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट से, और ग्रेटर देन का मतलब है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है यानी कि इनलार्ज। तो ये फॉर्मूला आप यहां से याद कर लेंगे, एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, भाई मैग्निफिकेशन तो ये रहेगा, वो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिया गया है। तो मिरर में प्लस बी अपॉन यू, सॉरी मिरर में माइनस बी अपॉन यू और लेंस में प्लस बी अपॉन। तो अब जल्दी से साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज, यहाँ पे मैंने एक लेंस लगा रखा है, कोई जरूरी नहीं है कॉन्वेक्स लेंस ही हो, लेकिन ये रूल सब पे काम करेंगे, कॉनकेव लेंस भी हो सकता है कुछ इस तरीके का लेंस। ऑल द डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जितनी डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर करी जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस स्टार्ट किधर से करनी है, तो ये है ऑल द डिस्टेंसेस, ये रूल है All the distances। अब मैं समझता हूं कि आपको ये ऑलरेडी क्लियर होगा, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, बिकॉज ये हमने मिरर में भी पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने मिरर अच्छे से कर रखा है
तो उनका ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ओ से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और ओ से कुछ इधर आना पड़ा तो हम नेगेटिव लेंगे। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और उसके नीचे डायग्राम बना लीजिएगा। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे, सारी डिस्टेंस पॉजिटिव रखोगे, अगेंस्ट लाओगे नेगेटिव रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे कोई भी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव रखोगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो हाइट अगर कोई भी आती है तो नेगेटिव लोगे। यानी कि साइन कन्वेंशन में कोई फर्क नहीं आया, और मैंने बताया था जो एफ और जो वी जो यू है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं प्लस माइनस। तो अगर कोई बच्चा ये याद कर लेता है तो उसको लंबी चौड़ी बातें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन से लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन से लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसा पिछला बताया था, मैंने कुछ टेबल्स बना के दे दी थी, मैं इस बार भी दे रहा हूँ टेबल बना, लेकिन वो आपको याद नहीं करना है। अगर याद करोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे, हम बोल रहे हैं। तो आप ये चार रूल याद कर लो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से पॉजिटिव, अगेंस्ट जाओगे नेगेटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव, ठीक हो गई बात। इसी बेस पे देखिए, ये कॉनकेव लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले अच्छा चलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर ले रहा है। यू ऑब्जेक्ट इसमें भी इधर रखा जाएगा और इसमें भी इधर रखा जाएगा, ये एक मैंने इसलिए रिफरेंस डायग्राम बना दिया ताकि मैं आपको समझाता रहूंगा और यहां से दिखाता रहूंगा वहां से टेबल से, और यहां पर एक्सप्लेन करता रहूंगा, रटाना कुछ भी नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है, तो इसको मेजर करना है और हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही चलना है। ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी इधर की तरफ जाओगे और इंसिडेंट रे आ रही है इधर की तरफ। सेम यहां पर अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो इधर जाओगे आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, और इंसिडेंट रे आ रही है इधर। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा भी ऑब्जेक्ट लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ली जाएगी नेगेटिव। रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की बात बाद में करूंगा, अब बात करूंगा फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ बहुत सारी इंसिडेंट रेस पैरेलल आ रही हैं, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये इधर को डाइवर्ज कर देगा, लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये कहीं मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि इसका फोकस इधर होता है पीछे की तरफ, और इंसिडेंट रे के हमें जाना पड़ रहा है अगेंस्ट। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ हुआ वो कैसा हुआ, नेगेटिव। देख रहे हो इसकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और यहाँ पे आके मिल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से किधर की तरफ आना पड़ेगा, इधर की तरफ, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव। तो मैं आपको यही समझा रहा था, ये टेबल याद मत करो, हालांकि बना लो कॉपी में अपनी, इससे अपने अच्छे तरीके से आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बना लीजिए, लेकिन याद करोगे तो फंसोगे, भाई रटना कहलाएगा। मैं तो याद नहीं करता, ये मैंने टेबल ही इससे बनाई है डायग्राम से, क्योंकि मैंने तो रूल पढ़ रखा है सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापनी है, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाओगे तो नेगेटिव लेना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव लेना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लेना, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज जो इमेज बनती है हमारी कौन सी, डायरेक्ट इमेज बनती है, यानी कि वर्चुअल, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है, उसका पॉजिटिव हो जाएगा। रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आती है, इन्वर्टेड होती है, तो उसके लिए नेगेटिव ले लेंगे, दिक्कत कोई नहीं है अगर साइन कन्वेंशन पड़ा हुआ है। कहने की बात यह है, दिक्कत कोई नहीं है अगर साइन कन्वेंशन पड़ा हुआ है। और बहुत अच्छे से समझाया था मिरर वाले चैप्टर में, और इसमें भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। फोकल लेंथ याद रहा, और फोकल लेंथ इसमें बस एक चीज चेंज हुई है, इमेज डिस्टेंस। अगर जिन बच्चों ने मिरर पढ़ा था वो मिरर से याद कर ले, बस इमेज डिस्टेंस का उल्टा कर ले। वहां पे वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता था और रियल के लिए नेगेटिव होता था, यहाँ रियल के लिए पॉजिटिव होता है, वर्चुअल के लिए नेगेटिव होता है, समझाएंगे क्यों। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ वहां भी नेगेटिव होती थी मिरर के लिए, और लेंस के लिए भी नेगेटिव है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ वहां भी पॉजिटिव होती थी, है ना, और यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की वो पॉजिटिव थी, और यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। अब रियल इमेज की बात कर लेते हैं, एक चीज दिखा देता हूँ पहले आपको, एक डायग्राम देख लो ना, डायग्राम दिखाओ रे बाबा, ये रहा ये वाला रहा, इसमें रियल इमेज ऑप्टिकल सेंटर के साइड बनती है हमेशा, देख डायग्राम दिखा रहे हैं भाई आपको हम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रियल इमेज लेंस के इस साइड बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, तो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओगे, यहां उल्टा हो गया, यहां पे रियल इमेज की जो डिस्टेंस आएगी, रियल इमेज की जो डिस्टेंस आएगी वी, वो पॉजिटिव आएगी रियल इमेज के लिए। और भाई वर्चुअल इमेज का दिखाओ भाई इन बच्चों को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, ये देखो वर्चुअल इमेज किधर बनी थी, सेम साइड, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इसलिए वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस आएगी, और डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ रही है वी की, तो वो इमेज वर्चुअल है।
मिरर में उल्टा होता था, मिरर में रियल इमेज इधर बनती थी, वर्चुअल इमेज इधर बनती, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्ट करके लाइट वापस आती थी, यहाँ रिफ्रेक्शन हो रहा है, अभी लाइट अंदर जा रही है। वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। बस समझ लिया बात को, ये केस है। तो बस ये इमेज डिस्टेंस उल्टा हो गया, वरना पूरा साइन कन्वेंशन मिरर का ही है, और एक एम का उल्टा हो गया, एम का भी दिखाएंगे। क्लियर हो रही है बात? देखिए साइन ऑफ एम, एम बराबर बताइए बच्चों क्या होता है? सर इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, बिल्कुल सही है। वर्चुअल के लिए बात कर लेते पहले, ठीक है? वर्चुअल इमेज के लिए, इमेज वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, तो इमेज हाइट पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा वही ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, वो भी पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। देख लो वर्चुअल इमेज का जो एम का साइन होगा, एम का साइन डिपेंड करेगा किस पे? इमेज हाइट पर, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो रियल इमेज का साइन बोल रहे हो चाहे एच आई का साइन बोलो, एच आई का साइन मिलता है एम को, एम को जो साइन मिलता है वो एच आई का मिलता है, बिकॉज एच ओ तो पॉजिटिव रहता ही रहता है। तो वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव आएगा, और रियल इमेज होती है हमारी इन्वर्टेड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो एच आई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और एच ओ तो पॉजिटिव हमारा होता ही है, और पॉजिटिव नेगेटिव को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो एम को एच आई का साइन मिलता है, ये भी बोल सकते हैं, एम साइन जो दोनों का साइन है वो सेम रहता है, एम बराबर एच आई नहीं है, ये साइन ऑफ एम बराबर साइन ऑफ एच आई है। क्लियर हो रही है इतनी बातें? बताइए, इसलिए बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लोली। इतना हो गया, आगे चलते, यहां से करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व। रेडी हो जाइए, क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो का पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है तब मेरा सॉल्यूशन देखिए, वरना आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा वीडियो से, मेरे वीडियो को सॉल्यूशन मत देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे सॉल्यूशन देखिए, आप खुद से करिए। फिलहाल कुछ चीजें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आप देख सकते हैं कि सर कैसे पढ़ते हैं, कैसे डाटा लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है पावर ऑफ लेंसेस, वो अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसको लेक्चर में दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। अब कॉनकेव लेंस और फोकल लेंस, पता चल गया कॉनकेव लेंस है तो ऑब्वियसली बात है जो फोकल लेंथ होगी वो निगेटिव होगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन तो पता होना चाहिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, कितनी डिस्टेंस पर उस लेंस से 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यानी कि यू तो पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट है एच ओ मतलब 5 सेंटीमीटर, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो वो भाई देखो ऑब्वियसली बात है, इन्होंने अब तो सर इमेज रियल है कि वर्चुअल है, सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, सर हम क्या करें, इसलिए कह रहे थे कि हमारा देख लो अंडरस्टैंड। भाई कॉनकेव लेंस है, और भाई अगर इतनी भी बुद्धि नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज, कॉनवेक्स लेंस एक केस में वर्चुअल बनाता है बाकी रियल बनाता है, लेकिन कॉनकेव हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो हमें इमेज डिस्टेंस दे रखी है, वर्चुअल इमेज के लिए जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है, जो कि दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको खुद डिसाइड करना था, यानी कि खुद दिमाग लगाना था कि 15 सेंटीमीटर प्लस का लूं कि माइनस का। तो लेंस था कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और वर्चुअल इमेज बनती है सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के अगेंस्ट, यानी कि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, इसलिए मैंने माइनस लिया हुआ है। और बताइए कितना आसान करूं मैं आपके, फॉर्मूला लगा दो, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, साइज भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाया 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है 1/-20, 1/v की वैल्यू -15, -1/u, सही हो गई बात। इस 1/u को इधर ले आओ प्लस में, तो प्लस 1/u हो जाएगा, 1/-15 ऐसी रहेगा, और ये जो माइनस का 20 है ये इधर प्लस में चला जाएगा 1/20। 15 और 20 का एलसीएम हम ले लेंगे कितना 60, 15 4 - -4 आएगा, ये 3 आएगा, 1/u = -4 + 3 - 1 बचा अपॉन 60, यू की वैल्यू माइनस में आ रही है बिकॉज माइनस में हमेशा आती है, माइनस का 60 सेंटीमीटर, देखो यू माइनस में आता है और माइनस में आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट द 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, उस लेंस के 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए तो 20-15 सेंटीमीटर पे इमेज बनने लगेगी। अब आप ये भी जानते हैं भैया कॉनकेव लेंस है तो इमेज कैसी आएगी, डिमेज आएगी, देखते आ नहीं रही, आ रही है कि नहीं आ रही है। एम बराबर होता है मैग्निफिकेशन, क्या होता है लेंस के केस में, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू बी अपॉन यू, यहाँ पर माइनस नहीं आ,
एच आई हमें मालूम नहीं जो कि निकालना है, एच ओ हमें मालूम है कितना, 5 सेंटीमीटर टॉल था, वी की वैल्यू मालूम है -15, यू की वैल्यू -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 4 50 हो गया। एच आई की वैल्यू 5/4 हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई, 5/4 का आंसर तो बन से बड़ा आएगा, कुछ तो गड़बड़ है बच्चों। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, चेक करना पड़ेगा पूरा पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एफ की वैल्यू -20 दे रखी थी, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल, सो द ऑब्जेक्ट बाउंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 15 रख लिया, वर्चुअल इमेज है, और तो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, 1/b -1/u, बी की वैल्यू -15 हो गई, -u और फोकल लेंथ हमने -20 रख दिया, वो प्लस में चला गया, एलसीएम होगा 50, 23 का 15 4 का -4 30 -50, ये तो ठीक है। एम इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, माइनस होता नहीं है बी अपॉन यू, हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना, ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज फॉर्म 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 15, यू की वैल्यू 15, माइनस है ना, 15 4 60, आंसर तो सही निकाले हैं भैया, मेज का डिमेज बनाता है कुछ तो, या हो सकता 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट ना हो, तो आंसर 1.125 आ रहा है, क्या कर सकते हैं, डेटा भी गड़बड़ हो सकता है, सॉल्यूशन तो सही है। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश हमेशा डिमिनिश इमेज ही बनती है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, बाकी अगर इसमें ऐसा आंसर आ रहा है तो देख लिया जाएगा, मेरे हिसाब से तो सब सही है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो बताइएगा, बट मेरे हिसाब से तो कोई चीज नहीं छूट रही है। 1/f की वैल्यू -1/20 हो गई, 1/-15 हो गया, -1/u हो गया, 20 को प्लस में भेज दिया, u को इधर लेकर आ गए, एलसीएम भी 60 ले लिया गया, 15 4 60, 23 60, -1/60 बचा, v अपॉन u, m का फॉर्मूला भी ठीक लगाया, अभी u अपॉन v थोड़ी होता है, v अपॉन u, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे आ जाइए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फोर मीडिया ए बी सी एंड डी आर, चार अगर उस क्वेश्चन में होगा तो मैं बाद में देख के आपको बता दूंगा, कुछ भी अगर गड़बड़ हुई सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो लेक्चर को लंबा करना नहीं चाह रहा। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फोर मीडिया ए बी सी एंड डी आर गिवन इन द फॉलोइंग, चार मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो एक तो इस टाइप का सवाल आएगा कि लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम किसमें और सबसे कम किसमें, तो मैंने आपको बताया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा लाइट की स्पीड उसमें ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उतनी स्लो हो जाती है, तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड इसमें होगी और सबसे कम इसमें होगी। ये डायमंड ऑब्वियसली बात है, 2.4 मैंने डायमंड का बताया था, 1.5 हमारा होता है गिलास का, 1.33 हमारा होता है वाटर का, 1.52 मालूम नहीं। इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अब लाइट वैसे तो इनमें से नहीं, कह रहा है इनमें से किसी मीडियम में जा रही है, ए से बी में, ए से सी में, सी से बी में, किसी में, तो इन विच केस द चेंज इन द स्पीड विल बी मैक्सिमम, किस में सबसे मैक्सिमम चेंज आएगा और किस में सबसे मिनिमम चेंज आएगा, तो जहां पर स्पीड सबसे कम वाले से सबसे ज्यादा वाले में जाती होगी, यानी कि जब ए से डी में जाएगी लाइट या डी से ए में जाएगी, तो मैक्सिमम चेंज आएगा, याद रखना, क्योंकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और सबसे मिनिमम चेंज आएगा जिनमें डिफरेंस सबसे कम होगा, डिफरेंस सबसे कम है इस वाले में, बी में और सी में लगभग सेम ही है, तो जब बी से सी में आएगी तो मिनिमम चेंज आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसमें अपने वर्कशीट में इंक्लूड किया है, याद रहेगी बात, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होगा
तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाते टाइम लाइट की स्पीड का भी चेंज सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का ही तो रेशियो होता है। क्लियर हो रही है बात यहाँ से? क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है, रीड्रॉ द गिवन डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। इस डायग्राम को रीड्रॉ करिए और रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगी? मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से आती है, तो कोई डेविएशन नहीं होता है। इतना सवाल आएगा, बाकी चार ऑप्शन दे रखे होंगे कि ऐसे गई तो ऐसे हो गई, ऐसे की ऐसे रही, ऐसे चार ऑप्शन होंगे। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला, विदाउट एनी डेविएशन आगे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रीड्रॉ, इसके डायग्राम को रीड्रॉ करना है, फोकस से आ रही है और हमने बताया था फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल बना दीजिए, और पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा मिल रहा है हमें, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि ये एचओ हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हो गया एक्चुअली बच्चों, ये एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन उठाया था, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर का सवाल है तो मिरर वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो ही जाएगी, दिक्कत क्या है। लेंस का होता है, लेंस का कर लेते हैं। इस प्लेस 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, यू की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया था तो वो मिरर का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यू की वैल्यू माइनस 30 हो गई, फोकल लेंथ कौन के मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, एफ की वैल्यू माइनस 15 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही बता सकता हूँ आंसर कहाँ आएगा, 30 पे रखा गया, फोकल लेंथ है 15, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया, तो वी की वैल्यू भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, ये रियल इमेज आएगी। व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, ड्रॉ द रे डायग्राम, सारी चीजें पूछ रखी है। एक और बात, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। 1/f बराबर होता है 1/v, और मिरर में तो प्लस होता है, f की वैल्यू 1/-15 हो गई, v की वैल्यू हमें मालूम नहीं, u की वैल्यू 1/30, माइनस का 30 लेंगे, यहाँ पे करते हैं माइनस का 1/15, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, 1/v, एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा, 15 2 30, 31 30, 1/v, यहाँ से v की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है, माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगी, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ पर रखी हुई है वो फोकल लेंथ का डबल है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। देखो आंसर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है 30। और क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऑब्जेक्ट का साइज बताइए, तो हम जानते हैं फिर से फॉर्मूला, HI/HO इक्वल टू इसमें -b/u होता है। एच आई की वैल्यू हमें निकालनी है, एच ओ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, माइनस बी की वैल्यू -30 आ रही है, यू की वैल्यू भी -30 है, और एच ओ हमारा है 2, -30 से -30 कैंसिल हो जाएगा, एच आई की वैल्यू भी ऑब्वियसली बात है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है सेम साइज का बनता है, -2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज जो है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ये बात हम जानते हैं, ये भी हमने बता दिया साइज। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम आपको याद होगा कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ऐसे ही बना देते हैं रफली, ये फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल गया, फोकस पे जाएगा, उधर फोकस पे भेज दो, पैरेलल आ जाएगा, इसी के नीचे लाइन कट हो गई, यहाँ से मिला दो, ये इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये बी ए इमेज, याद आ गया होगा आपको, हाँ सेम यही केस है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि एच ओ की वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले 2 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि रखा गया है 64 सेंटीमीटर पर फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन, वाइट स्क्रीन से, स्क्रीन से रखा गया है, बात को समझना, ये स्क्रीन मान लो, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा बच्चों, ये हो गई वाइट स्क्रीन, ऑन प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एट 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कितना है 64 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट है कोई मान लो, कितनी दूरी पर रखा गया 64 सेंटीमीटर, उसके बाद ये कॉन्वेक्स लेंस रखा गया ऑब्जेक्ट से 32 सेंटीमीटर पर बीच में, तो इसका जस्ट बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, बिल्कुल सही है सर, समझ में आ गई बात। इट इज फाउंड दैट अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑफ द स्क्रीन, तो डिस्टिंक्ट इमेज एक स्क्रीन पर इमेज बनती हुई दिखाई हमें दे रही है, हम ये कह सकते हैं जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है, भाई 32 इधर बचेगा, 32 इधर बचेगा, ऐसा कब होता था, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होता था तो इमेज बनती थी 2f2 पे, थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, यानी कि डबल फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इसकी फोकल लेंथ बिना न्यूमेरिकल करे निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ? ऑब्वियसली बात है, फोकल लेंथ कितना, 32 का भी आधा कर दो 16, फोकल लेंथ हो गई 16 सेंटीमीटर, और बताइए। एंड साइज ऑफ द इमेज इक्वल, भाई जब 2f1 पे रखा होता था 2f2 पे बनता था और इक्वल साइज का बनता था, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम वही वाला बना दो, 2f1 वाला, f1 2f1 वाला डायग्राम आपको याद होगा पीछे जो मैंने दिखाया था, तो 2f1 वाला आप डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। समझ आ रही बात? ये था क्वेश्चन, यानी कि ओरली हो जाएगा अगर आपने चीजों को ठीक से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है, इसकी वैल्यू +10 लेनी पड़ेगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंथ शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए पता नहीं, जो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाए 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो लेंस के लिए रियल इमेज की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज वो लेंस के इस साइड बनती है यहाँ पर। समझ आ रही है बात? लेंस बड़े गंदे बन रहे हैं। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट का है तो इमेज की हाइट कितनी होगी? ऑब्वियस बात है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए सबसे पहले u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंथ फॉर्मूला हो गया। 1/10 हो गई वैल्यू f की, v की वैल्यू 1/20 - 1/u, 1/10 - 1/20 = -1/u बचेगा। एलसीएम ले लो 20, तो 10 2 10 1 -1/u, तो u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। 20 पे ही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और 20 पे ही बन रही है इमेज, कौन सा केस हो गया? इमेज फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, वही हो गया 2f1 वाला। फोकस के जब डबल पे रखी होती है, जब फोकस के डबल पे रखी होती है 2f1 पे, तो इमेज बनती है 2f1 पे, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हो, ये वाला केस। कैसे रफली लेंस बना लो, f1 2f1 यहाँ पे रखोगे तो वापस से यहाँ पे 2f2 तो बन जाएगा। ठीक हो रही है बात? ये वाला डायग्राम बना लोगे, साइज और पता लगा लेते हैं। m की वैल्यू होती है hi/ho = v/u, तो v की वैल्यू 20, u की वैल्यू -20 ऑब्वियसली बात है इक्वल टू ही होगा, hi = ho आएगा, बस -2 के साथ आएगा क्योंकि इमेज रियल है, तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए उसका माइनस आ रहा है। सिंपल सी बात है, वरना साइज इतना ही होगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अब आप एस्टन की बुक उठाइए और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, या जो बुक आपके पास है किसी और पब्लिकेशन की वो उठा लीजिए, और किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एमसीक्यू से क्वेश्चन है, तो छोटी से छोटी बात भी आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन आपने देखा, अगर आपको सही से नॉलेज है तो आप रे डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 6 केस है, उस 6 केस में से आप कंपेयर कर लेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना भाई। और आप क्वेश्चन की पोजीशन, क्वेश्चन में इमेज की पोजीशन और जो उसका नेचर है, वो तो ओरली पता लगा सकते हैं बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए, अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता लगा लें कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा हुआ है, F1 या 2F1 के बीच में रखा हुआ है, या 2F2 पे रखा हुआ है, या उसके बियॉन्ड रखा हुआ है, तो उससे कंपेयर करके आप सारे आंसर पता लगा सकते हैं अगर आपके थोड़े भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है पावर ऑफ लेंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछिए। पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।